जी बिल्कुल, सम्प आर्मी के ऑलराउंडर जन्नत करीम हमारे साथ मौजूद है। जन्नत, सबसे पहले बताइए, आप इंजरी से वापस आए, फिर 4 रन देकर 2 विकेट, कैसा आप परफॉर्मेंस को देखते हैं? यार डिफ़िकल्ट था क्योंकि पेन अभी भी थोड़ा बहुत है, तो मुइन भाई ने कहा कि तैयार रहना, जब ज़रूरत हो तो आपको बॉलिंग कराएंगे। तो वही उन लोग के पहले 2 ओवर में स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ, तो फिर उसने कहा कर सकते हो, मैंने कहा ट्राई कर लूँगा। तो वही जो फर्स्ट ओवर अच्छा हुआ तो फिर मैंने कहा ठीक है, और भी देना, अभी यही टाइम है कि टीम घेरा हुआ है। तो वही हुआ, जो मैंने जो अपनी ट्राई की 100%, वो उसमें मैं कामयाब रहा। देखिए, T10 के सबसे इकोनॉमिकल बॉलर हैं आप इस सीजन के, तो क्या डिफरेंट किया पिछले सीजन से आपने कि आप इतना सक्सेसफुल जा रहे हैं? T10 में यही बात तो है, मैचेस ज़्यादा खेले, तो सिर्फ T10 में ज़रूरी चीज़ यही है कि अपना जो लाइन और लेंथ है उस पर फोकस रहना चाहिए। नहीं है कि एक बैट्समैन वो जहाँ से अगर मारेगा वो अच्छा शॉट मारेगा, वो दिन की बात होती है, कभी दिन अच्छा होगा कभी बुरा, तो लाइन और लेंथ पे फोकस ज़्यादा किया हुआ है। कितना T10 का आप इंपॉर्टेंट समझते हैं और एमरेस क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि अफगानिस्तान की होम ग्राउंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ ज़्यादा मैचेस होते नहीं है, तो यहीं से ज़्यादा मैचेस खेलते हैं, और जो ग्रूम पाक अफगानिस्तान की क्रिकेट हुई है वो सारी UAE से होती है, तो कितना इंपॉर्टेंस है इस T10 लीग की और एमरेस क्रिकेट बोर्ड की? इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो हमारे साथ हर टीम के साथ दो दो प्लेयर UAE की भी खेलते हैं, तो ये उन लोग की क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दूसरा ये कि हमने देखा कि स्टीवर्ट ब्रॉड ने एक दफ़ा छक्के लगा दिए थे, युवराज सिंह ने 6, फिर आसिफ अली ने आपको 4 छक्के लगाए, उसके बाद स्टीवर्ट ब्रॉड जो वो दुनिया के बेहतरीन बॉलर बन गए, फिर आपको हमने देखा कि बहुत ज़्यादा ग्रूम किया दुनिया की, वाइट बॉल की दुनिया में आप छा गए, तो ये क्या मोटिवेशन मिलती है उसके बाद, उसको पॉजिटिव लेते हैं कि जब ऐसा आदमी घिर जाता है, क्योंकि एक ओवर में 6 छक्के लग जाए, मैच आ जाए 4 छक्के लग जाए, फिर उसके बाद उठना जो है काफ़ी मुश्किल होता है, तो क्या किया आपने कि आप फिर वाइट बॉल में आपने अपना नाम बढ़ा लिया? बेसिकली ये क्रिकेट जो है ना, लोगों ने उसको थोड़ा अलग सा शक्ल दिया हुआ है ना, जिस तरह लोग 50 मार सकते हैं, सेंचुरी मार सकते हैं, ये 6 छक्के, 4 छक्के, 3 छक्के, ये भी क्रिकेट एक हिस्सा है, ये भी होता है, वो एक दिन होता है, बॉलर के लिए बुरा दिन होगा, जैसे बैट्समैन के लिए वो 0 पे आउट हो जाए वो एक बुरा दिन होता है, तो ये नहीं कि बार बार वो हो जाता है ना। अच्छी बात है कि हम उस चीज़ को सीखें और नेक्स्ट में ऐसा ना हो। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने का। थैंक यू ब्रदर।